हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। ये नाश्ता झटपट बन भी जाती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। ये नाश्ता बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम लौकी लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से इसे छील लिया है और इसे मैंने धो लिया है। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। अब हम लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। इसी तरह हम सारे को कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए, मैंने सारे लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम एक कप गेहूं का आटा डालेंगे, एक बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटी हुई धनिया पत्ता डालेंगे, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, एक तिहाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, एक तिहाई चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आधा छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला ऑप्शनल है, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। दो चम्मच चावल का आटा डालेंगे। चावल के आटे से ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम हाथ में तेल लगा लेंगे इस तरह से। अब इसमें से हम थोड़ा सा स्टफिंग लेंगे और इसे हम इस तरह से गोल कर लेंगे। हथेली से इसे हम इस तरह से चिपटा कर लेंगे। इसी तरह हम सारे को बना लेंगे। तो देखिए, मैंने सारे को बना लिया है। चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए डाल दिया था, तो तेल अब अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब इसमें हम एक एक करके डालते जाएंगे जितना आ सके। इसे हम थोड़ी देर बाद पलट लेंगे। थोड़ी देर हो चुका है, अब इसे हम पलट लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। इसे हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने देंगे। तो देखिए, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी भी हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे को फ्राई कर लेंगे। तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब गेहूं के आटे का नाश्ता बनके रेडी है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।